हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण एंड यू आर वाचिंग 786 आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के हमारे इस चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो एप्लीकेशन के ऊपर हमने मॉडल्स डाले हैं जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हो, तो वो फेक नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। जितना भी आप पेमेंट करोगे उस हिसाब से आपको वो मॉडल मिल जाएंगे और डिलीवरी चार्जेस के अंदर इंक्लूड हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो अभी तक हम 100+ मॉडल सेल कर चुके हैं। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप खुद बनाओ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप परचेज़ कीजिए। और स्टूडेंट्स को तो मैं स्पेशली करूंगा कि आप देखकर खुद बनाइए, तभी आपको जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। और टीचर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास टाइम नहीं होता, अगर वो एक लैब अपनी तैयार करना चाहते हैं तो मॉडल्स की, वो भी हम आगे आपको शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपनी लैब तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में या मैं कम्युनिटी टैब में आपको ज़रूर शेयर करूंगा। तो आज दोस्तों, हम सर्कल का जो क्लास टेंथ का जो सर्कल चैप्टर है उसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके ऊपर आपके लिए मॉडल आए हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आप बना सकते हो, कुछ ज़्यादा इसमें मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो 12 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पर रेडियस का एक सर्कल कट किया है, आप 10 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको दो स्केल बनाने होंगे ग्राफ पेपर की मदद से। तो इस तरह से पीस कट कर लेने हैं, मैक्सिमम जितनी आप लेंथ रखना चाहते हो रख सकते हो। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर के मैं दो स्केल बनाऊंगा ग्राफ पेपर की मदद से। तो ग्राफ पेपर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसके ऊपर वैल्यू जो है एग्जैक्ट लिखी जाती हैं। और 2 360 डिग्री आपने इस तरह से यूज़ करने हैं, प्रिंट आउट आपका जो सर्कल है उससे साइज़ कम होना चाहिए। तो दो हम यहाँ पर 360 यूज़ करेंगे। इससे मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे इसका हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको क्या करना है, दो टेंजेंट्स आपको जो हमने स्केल बनाए हैं उससे शो करने हैं, पर उनको अटैच कैसे करना है देखिए। इस तरह से आपने एक पीस कट कर लेना है और उसका जो अपर पार्ट है उसको आपने पेस्ट कर देना है सर्कल के साथ। दोनों तरफ हम इस तरह से करेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर से यहाँ पर जो है फेविकोल लगा लिया और ऊपर से पेस्ट किया है, नीचे से नहीं किया है। वहाँ पे हम नेल का यूज़ करेंगे, नट बोल्ट का यूज़ करेंगे जिससे इसको इजीली रोटेट किया जा सके। और दूसरी तरफ से भी दोस्तों हम इसी तरह से करेंगे। अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, इसको रोटेट करके वापस से फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको निकाल लेना है। जो स्केल है वो हम फ्रंट से अटैच करेंगे, यहाँ पर जस्ट हमने इसके अंदर नेल लगा देनी है। तो इसको आपने अच्छे से लगाना है बिल्कुल पॉइंट पर, जैसे सेंटर में आप लगा सकते हो। तो हम इसको टाइट कर देते हैं थोड़ा सा। दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरह से करना है। और अगर दोस्तों आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी लाऊंगा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिक्वेस्ट की थी। अगर आप इसको 100+ लाइक करते हो इस वीडियो के ऊपर तो मैं ज़रूर एक्सप्लेनेशन वीडियो डालता रहूँगा। और इसके बाद दोस्तों, दूसरी तरफ में आपने इसी तरह से कर लेना है, बस इसको ध्यान से कीजिए थोड़ा सा ताकि जो ये है इजीली रोटेट कर सके। और जो नेल बाहर आ रही है उसको कवर करने के लिए, ताकि कोई तरह का हार्म ना हो, तो मैंने यहाँ पे बॉटल कैप यूज़ किए हैं उसको कवर करने के लिए। अब यहाँ पे आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं सेंटर से, जो टेंजेंट पे मैं लास्ट वीडियो में हमने समझा था भी टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है अगर सेंटर से हम उसको लाइन को खींचते हैं। तो दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे थ्योरम क्या है, अभी आप एक्सटर्नल कोई पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करो उसी सर्कल के ऊपर, तो उनकी जो लेंथ रहती है वो सेम रहती है उस पॉइंट से। तो वो इस थ्योरम से हम प्रूव करते हैं। अब जहाँ पे जो मैंने दो 360 डिग्री लिए हैं, इससे हम एंगल शो करेंगे भी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जहाँ पर बनाएंगे वहाँ पे ये टेंजेंट शो होगा, और टेंजेंट शो हो गया और उनका हम मेज़र कर लेंगे जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा वहाँ से डिस्टेंस, अगर सेम आएगा तो हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। तो इसको रोटेट करके एक बार चेक कर लीजिए, जो आपको मॉडल है वो रेडी हो चुका है। और जो भी नेल आपकी बचेंगी उनको हम बॉटल कैप से सिक्योर कर देंगे ताकि किसी तरह का हार्म ना हो। तो ये मॉडल आपका दोस्तों रेडी हो चुका है। और आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।